ये है श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या जी का प्रसाद। तो ये प्रसाद है, आपको दर्शन कराते हैं। जय श्री राम। अभी हमें श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जी में, और यहाँ पर श्री राम जी के दर्शन करने से पहले हनुमान जी के दर्शन किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी मंदिर। हमारे ठीक सामने हनुमानगढ़ी मंदिर है, जहाँ पर मान्यता है कि अभी भी शाम के 4 बजे हनुमान जी रोज यहाँ पे आते हैं। जय हनुमान। बहुत सारी सीढ़ियां हैं जिनसे ऊपर जाके हनुमान जी के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि जब अपनी लीलाएं समाप्त करने के बाद प्रभु श्री राम यहाँ से जा रहे थे वैकुंठ लोक में, तो उन्होंने सभी अयोध्या वासियों को बोला था अपने साथ चलने के लिए, लेकिन हनुमान जी ने कहा था मैं यहीं रुकूंगा। जब आने वाले समय में मति भ्रमित सनातन लोग और चीजों की पूजा करने लगेंगे और सनातनी लोगों को सताया जाएगा, तो हनुमान जी उन सबकी रक्षा करेंगे और उन सबको सही दिशा प्रदान करेंगे। ये अपना मेन एंट्री है हनुमानगढ़ी मंदिर की। जय हनुमान। तो अभी हम बिल्कुल हनुमानगढ़ी मंदिर के सामने हैं। ये हमारे सामने हनुमानगढ़ी मंदिर है और आप देख सकते हैं कितना भव्य, कितना सुंदर। ये बाहर लाइन लगी हुई है, अभी बाहर से मंदिर को दिखा रहे हैं आपको, उसके बाद अंदर चलेंगे और हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और अयोध्या जी आके कैसा महसूस हो रहा है ये तो मैं आपको शब्दों में बता ही नहीं सकता हूँ। आप यहाँ पे आएंगे तभी आप महसूस कर पाएंगे, मतलब हमसे 5-6 सीढ़ियाँ दूर यहाँ हनुमान जी विराजमान हैं, और मतलब अब इंतजार नहीं हो रहा है हनुमान जी के दर्शन होने का। अभी हम मुख्य मंदिर के गर्भगृह में आप पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर हनुमान जी विराजमान है, काफ़ी भीड़ है आगे। ये आप देख सकते हैं सभी भक्त अपना प्रसाद अर्पित कर रहे हैं हनुमान जी को यहाँ पर। हनुमान जी के दर्शन हमने कर लिए हैं, अब यहाँ से हम जाएंगे श्री रामलला के दर्शन करने श्री राम जन्मभूमि में। तो चलते हैं हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि मंदिर। जाने के लिए आपको कोई 500 मीटर चलना पड़ेगा और वहीं रास्ते में आपको पड़ेगा अमावा राम मंदिर, जहाँ पर जितने भी भक्त हैं उन सभी को दोपहर 11 बजे से लेकर 3 बजे तक निःशुल्क भोजन कराया जाता है। आप अयोध्या आ रहे हैं, आपको निःशुल्क भोजन करना है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। अभी हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं जहाँ पर मेन एंट्री होनी है अपनी राम जन्मभूमि मंदिर की। यहाँ से आगे मोबाइल ले जाना भी अलाउ नहीं है, पर्स ले जाना अलाउ नहीं है, कुछ ले जाना अलाउ नहीं है। तो जितनी मोबाइल है ये सब चीज़ें यहाँ पर जमा करानी पड़ेंगी। मैं जमा करा के अंदर जाता हूँ, फिर प्रसाद लेकर आऊँगा, वो आपको दिखाऊँगा। अभी हम अंदर गए, दर्शन करके आए, और सच बता रहा हूँ पिछले इतने सालों में भगवान ने इतनी जगह घूमने का मेरे को मौका दिया है, लेकिन जैसा मतलब एक्सपीरियंस अंदर राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान श्री राम को अपने भाइयों के साथ विराजमान देखकर अब महसूस हुआ है, ऐसा कुछ भी कभी भी मतलब मुझे जीवन में ऐसा महसूस नहीं हुआ। आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे खुशी के, ऐसा है वहाँ पर। और दर्शन करना अंदर बहुत आसान है, जब तक आप मेन एंट्री तक घुसेंगे तब तक जो भीड़ है भीड़ है। अंदर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराए जाएंगे, पूरे रास्ते शेड है, आपको धूप से डरने की जरूरत नहीं है, पंखे लगे हुए हैं। जब आप रामलला के सामने जाएंगे वहाँ पे भी बहुत धीरे धीरे चलाया जाएगा आपको कि आप सुकून से अच्छे से दर्शन दीजिए। और जब आप वहाँ पे रामलला को देखेंगे, मैं सच बता रहा हूँ मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ कभी फील नहीं किया है जैसा वहाँ पे रामलला को देख के फील किया है। तो ये प्रसाद है, आपको दर्शन कराते हैं रामलला के जन्मभूमि के प्रसाद के। तो ये है प्रसाद अयोध्या जी का, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का। मतलब मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, भगवान ने इतना अच्छा भाग्य दिया है मुझे कि मैं खुद पर्सनली आया यहाँ पे जहाँ प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहाँ पर रामलला विराजमान को मैंने देखा, बेहद अच्छा लगा। प्रसाद ग्रहण करता हूँ, आई विश आप सभी को ये प्रसाद दे पाता, लेकिन कोई बात नहीं, आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। ये प्रभु श्री राम का जन्मभूमि मंदिर का प्रसाद है, प्रसाद ग्रहण करने आए हैं कोई यहाँ पे, इन्हें प्रसाद कराएंगे। जय श्री राम। तो हमसे पहले इन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया, कोई बात नहीं अब हम भी ग्रहण करेंगे। आप भी अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालिए, अयोध्या जी आइए, अयोध्या जी में रामलला विराजमान का दर्शन कीजिए। और जो यहाँ पे मंदिर बन रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा ये जो आप कंस्ट्रक्शन होता हुआ देख रहे हैं, ये यहाँ पे भव्य श्री राम मंदिर बन रहा है। तो जब मंदिर तैयार होगा तब हम फिर से आएंगे, अभी तो अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं। मेरी प्रभु श्री राम में बहुत आस्था है, तो ये प्रसाद तो मेरे लिए ऐसा है जैसे मतलब दुनिया का सब कुछ मिल गया है। तो मैं ये ग्रहण करके यहाँ से जाता हूँ। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा कि आपके मित्र भी आपके परिवार वाले भी अपने घर पे बैठे हुए रामलला के प्रसाद के रामलला की जन्मभूमि के दर्शन कर सकें। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री।